दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है दोस्तों? नाम कुलदीप मुदगिल, जैसा अभी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया होगा, मेरी लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। पहले तो थैंक्स आप लोगों ने जो डांस करने में साथ दिया, काफी लोगों ने खूब जम के डांस किया, थैंक यू। जो आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, पहले तो थैंक्स करना चाहूंगा दोस्त, आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। दोस्तों अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम मिला, उस 10 मिनट में कुछ बातें ऐसी करूंगा जो मेरी लाइफ में आज तक जो बदलाव हुआ है उन कुछ बातों की वजह से हुआ है दोस्त। फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं था, कोई बड़ी सोच नहीं थी, कोई बड़ा विजन नहीं था। पहले जब इस बिजनेस में आए थे तो अभी मेरी वीडियो भी दिखाई गई होगी, मेरी भी बड़ी सोच नहीं थी, बड़ा मतलब ये नहीं सोचा था कभी जिंदगी ऐसी भी होगी, कभी ताल कटोरा की स्टेज भी मिलेगी। आज डांस कर लेता हूँ, लेकिन आज से 4.5 साल पहले डांस के नाम पे मैं तब डांस करता था जब डीजे की लाइट बंद हो जाती थी, समझ रहे हो? दोस्तों लाइफ में इतने शर्माते थे, इतना बड़ा मतलब बैकग्राउंड नहीं था। बाद में बिजनेस और रिलेशन बड़ा लंबा चला जाता है। अगर इंसान को इंसान समझ में ना आए दोस्त, तो बिजनेस तो छोड़, रिलेशन भी बोर्ड कचड़ियों में घूम।
अरे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूट जाता है 50 लाख रुपए की शादी होने के बाद भी, यस और नो? यस और नो? दोस्त जब मैं जुड़ा तो पहले एक चीज समझ में आई थी, अब जो इंसान मेरे से 14,000 रुपए ले रहा है, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए जो ले रहा है, उतने के मेरे को पड़क दे दी। मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। अरे उसके बाद गाड़ी अगले की, बाइक अगले की, पेट्रोल अगले का, साथ जाएगा, साथ बताएगा, साथ समझाएगा, और फिर भी हम शक्कर लेते हैं अपलाइन में। फिर भी शक रहता है कहीं ये ठग ना ले, कहीं ये लूट ना ले जाए, कहीं ये जिंदगी बर्बाद ना कर दे। अरे दोस्त जो हमारी जिंदगी में आज तक कोई नहीं कर पाया, मेरे को एक बात समझ में आई थी यार, 14,000 रुपए देके मेरे रिश्तेदारों ने कहा ये काम गलत है, गंदा है, बेकार है। मैंने कहा 14,000 रुपए आप ले लो, आप बना दो करोड़पति। दोस्त इस होल में आए हो ना तो एक बात सोच के चले जाना आज, या तो करना तो इस जुनून के साथ करना। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक बात सोच ली थी, अरे जिंदगी में जो काम लोग आज मेरे को मना कर रहे हैं ना, जो इंसान मेरे को लेके आया है, जो करोड़पति की बातें कर रहा है, आज तक मेरे किसी रिश्तेदार ने, किसी जानकार ने, किसी सगे संबंधी ने, दोस्त आज तक हाथ पकड़ के नहीं कहा चल बेटा तेरे को कामयाब कर देते। कहा क्या आज तक? कहा क्या दोस्त? अरे जब कोई इंसान अनजान आदमी, जब मैंने संजीव सर की एक स्पीच सुनी थी 11 जनवरी 2015, और उस स्पीच को मैं आज भी महीने में 2 से 3 बार सुनता हूँ। अरे एक नेटवर्कर करता क्या है, किसी के घर जाता है, 10-12 हज़ार रुपये लेता है, हेल्थ के प्रोडक्ट देता है, उसके घर की बीमारी ठीक करता है, उसके बाद उस अनएम्प्लॉय बच्चे को, मैं तो मेरे बारे में सोच रहा था, मैं क्या था दोस्त, मेरा क्या बैकग्राउंड था, क्या हैसियत थी, इस कुलदीप मुदील को गली का कुत्ता नहीं जानता था। आज AWPL पीछे है तो दुनिया जानती है, ये नाम हट जाए तो कोई, यस और नो? यस और नो? तो दोस्त मैं तो एक बात संजीव सर की पहले दिन समझ में आई थी, नेटवर्कर करता क्या है, और उस स्पीच में संजीव सर की सुन लेना, 11 जनवरी 2015 की बात है, रोहतक का, और आज भी संजीव सर की स्पीच वही रहती है। अरे एक नेटवर्कर 10-12 हज़ार रुपए लेके गरीब बच्चे को अपने साथ बैठाता है, खुद ड्राइवर बन जाता है, उसको मालिक बनाता है, साथ लेके जाता है, साथ समझाता है। अरे अनएम्प्लॉय बच्चे को कपड़े पहनना सिखाता है, बात करना सिखाता है, बोलना सिखाता है, ड्रेस पहनना सिखाता है, स्टेज में बोलना सिखाता है, और उसके बाद भी लोग बोलते हैं ये ठगने का बिजनेस है। दोस्त मैं मेरी एजेंसी बताऊं तो नाई के पास बैठ के अनिल सर ने मेरे चेहरे के हिसाब से ये बताया, कटिंग ऐसे करनी है भाई इसकी, कपड़े ऐसे पहनने। मैं तो रियलिटी बताऊं तो नागपुर में मैं इतना बड़ा कच्छा पहनता था, वो उठा के बाहर फेंक दिया था, प्रेंत्री में ले आए मेरे को। यहां तक मेरे को चेंज किया है, अपने बच्चों को नहीं करता दोस्त कोई इतना चेंज। यस और नो? यस और नो? अरे दोस्त जो आज तक मेरे रिश्तेदार जानकार ने जो इतना चेंज नहीं किया कि मेरी हर चीज का, हर चीज का, सॉक्स से लेके, ड्रेस से लेके, जूते से लेके, जुराब से लेके, हर चीज, कटिंग से लेके, खड़े होने के स्टाइल से लेके, बोलने के स्टाइल से लेके, हर चीज को पिछले 4.5 साल में चेंज कर दिया दोस्त, तो सलूट है दोस्त। फिर भी लोग कहते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन क्या होता है, अरे अपलाइन तो भगवान होता है दोस्त, और अपलाइन में भी अगर कमी दिखे तो दोस्त खुद में कमी देखना। ये बात दोस्त 4.5 साल पहले बहुत सारे कंपनियों के लोग आते थे, जब कंपनी शुरुआत हुई थी हम प्लान देने जाते थे, अगर आपकी कंपनी को कितने दिन हुए, मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है क्या, तो बोलते थे मेरा इतना टर्नओवर है, मेरी इतनी अचीवमेंट है। दोस्त मेरे को एक बात समझ में आई थी अनिल सर की, बोला बेटा सेल्स के धंधे में अगर कामयाब होना ना तो कामयाब आदमी को तो कोई भी कामयाब कर सकता है, नाकामयाब आदमी को कामयाब करके जो खुशी मिलती है ना दोस्त, वो करोड़ों रुपए कमा के भी नहीं मिलती। यस और नो? यस और नो? अरे दोस्त आज मैं अगर बात करूं, मैं पहला कंपनी में पहला टॉपाज लीडर, पहला 1.5 लाख का चेक, पहला गाड़ी अचीवर, क्या बैकग्राउंड था सर मेरा, कंपनी के एमडी ने कंपनी के टॉप लीडर ने मेरे पे नियत चेक दी, मेरे पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उस दिन ये समझ में आ गया था दोस्त अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो गरीब आदमी को कामयाब करके देख, फिर खुशी जो मिलती है ना करोड़ों रुपए कमा के जो खुशी मिलेगी, जब लोगों को कामयाब करके वो खुशी अलग ही होती है। और इसी टारगेट के साथ काम किया, और इसी महीने में मेरी टीम में 9 गाड़ियां हमने खरीदी, और 9 की 9 गाड़ियां दोस्त जिस इंसान के पास है ना, उसका बैकग्राउंड देखना, उसके घर चले जाना, ना कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, ना कोई बड़ा लीडर है, अरे कोई कुल्फी बेचने वाला, कोई गरीब का बच्चा, किसी सिर पे बाप का साया नहीं, कोई छोटा सा डॉक्टर, अरे ऐसे ऐसे लोगों ने गाड़ियां ली है जिसके घर में कोई खानदान में ये नहीं कहता था ये गाड़ी ले सकता है। AWPL प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्त, गुरुजनों की ताकत है, अगर जो 9 के 9 लोग गाड़ियों पे दोस्त।
फिर भी लगता है यार हमें हम करें ना करें। मेरे को एक बात 25 साल की उम्र में सर ने बोली थी, बोला बेटा जी ये तेरी उम्र है ना ये दोबारा, तो दोस्त इस चेयर पे बैठे पक्का हो। मैंने शुरुआत किए 2 साल तक किसी ट्रेनिंग में मैं सोया नहीं, और आज की रात भी मैं नहीं सोया 1 सेकंड में, और सुबह से बाहर ही है गाड़ी में वेट में थे, और किसी शो में आज तक खाना नहीं खाया, किसी ट्रेनिंग में आज तक रोटी खा के नहीं देखी होगी, हल्का फुल्का दाल वगैरह खाई होगी, क्योंकि मैं सक्सेस का फूका था दोस्त, क्योंकि माँ बाप को उस हालात में देखा है जिस हालात में पैसे से तिल मिलाते हुए दोस्त मैं नहीं जाता था। मैं रियलिटी में मैं बता दूं दोस्त, मेहनत करना मैं नहीं चाहता था, मेरे भी शौक नहीं थे। रेंज वनियल सर ने जिंदगी से गहराई जिंदगी से समझाई ना दोस्त, जिंदगी जब गहराई से समझ में आई अब यह करना क्यों है, तो दोस्त मेहनत करने का जज्बा मेहनत करने का जुनून अपने आप अंदर से आ गया। सोच के देखना दोस्त किस हालात में आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया था, अरे क्या कर दिया उस माँ बाप के लिए हमने आज तक। अगर उस माँ बाप के लिए अगर हम दिन में 12 घंटे 14 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, अरे जिस माँ बाप ने बचपन में हमारे को पढ़ने के लिए हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दोस्त बापू ने अपनी सारी जिंदगी गवा दी, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था पर जैसा भी था मेहनत तो की। यस और नो? यस और नो? क्या कभी बचपन में बोला बेटा फीस के पैसे नहीं है, तेरी पढ़ाई के पैसे नहीं है? अरे बापू ने तो हमेशा कहा बेटा डॉक्टर बनना चाहता तो डॉक्टर बना दूंगा, चाहे शरीर बेचना पड़े। यस और नो? यस और नो? अरे उम्मीद करते हैं लोग अगर जिससे मेरी शादी हुई मेरी वाइफ जिंदगी भर सेवा करे, अरे एक बार उम्मीद खुद भी कर ले जिन माँ बाप ने पैदा किया और जिससे शादी हुई उसकी सेवा तू भी कर ले यार, 3-4 साल मेहनत करके अगली सारी जिंदगी मेहनत करता रहे। यस और नो? यस और नो? तो दोस्त एक ही बात समझ में आई थी, अगर मेरे मेहनत करने से मेरे काम करने से अगर मेरे 4-5 साल अगर जुनून के साथ मेहनत करने से अगर मेरी फैमिली की जिंदगी चेंज होती है दोस्त मैं मेहनत क्यों ना करूं। यस और नो? यस और नो? दोस्त इस होल में आए कोई नहीं कहेगा कि आप काम करो, बहुत सारे लोग, मैं पिछले 4 साल से तार कटोरा में लगभग 5वीं बार आया हूं और गुरुजनों का आशीर्वाद है पहले दिन से स्टेज पे हूं, और मैं तो एक बात मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में मेरी टीम में जो लोग हैं वो पहला इतिहास है, शुरुआत के 4 साल में हम करोड़पति हैं, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुणाल सर की स्टोरी सुनी तो 16 साल गलत कंपनी मिल गई और कुछ मिल गया, मैं बहुत सारी स्टोरी सुनी लेकिन मैं जब सोचता था ना इन बारे में तो मैं सोचता था मेरी किस्मत बहुत अच्छी है मेरी किस्मत, और जिसको पहली कंपनी एडमोबाइल मिली ना दोस्त अपलाइन के पैर धो के पी लेना, जिंदगी में जो मिला ना वो आज तक किसी को नहीं मिला जो आपको मिला है। यस और नो? यस और नो? अपलाइन कोई भी हो सकता है दोस्त, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है आपसे उम्र में कम भी हो सकता है, अरे कम से कम एक बात तो सोच लो जो आपको बिजनेस में ले आया जिसने एडमोबाइल का रास्ता दिखा दिया, आज तक किसी ने करोड़पति का बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखाया था। यस और नो? Yes or no? दोस्त इस बिजनेस में बस कामयाब होने का एक ही मूल मंत्र मेरे पास, अपलाइन को भगवान मान लो दोस्त जिंदगी सफल हो जाएगी, एक ही मूल मंत्र। मेरी जिंदगी में जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन है, मैंने काम शुरुआत में किया था अचीवमेंट मेरी पहले थी, लेकिन जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन है महिपाल सर कुणाल यादव सर रितेश सर जोगिंदर सैनी सर जितने भी मेरे प्रभु सिंह शेखावत सर जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन है दोस्त, चाहे मेरे से रैंक कम रहा चाहे मेरे से पैसा कम रहा लेकिन इज्जत से राखों पे रखी है हमेशा। दोस्त बाप बाप होता है। यस और नो? यस और नो? जिंदगी में सन ऑफ सिरी तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई साहब, सही है, लेकिन यहां 10 दिन काम करते ही अभी भी मेरे को काफी लोग कहते हैं सर मेरे को बड़ा मतलब मैं सच बता रहा हूं मेरे वो करोड़पति बन के इतना खुशी नहीं आती जितना मेरे वो गुरु भक्ति बन करने में खुशी आती है, मेरे को पैसा कमाने में इतनी खुशी।
बेटे को डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस में आने के बाद पहले 51 दिन से दोस्त गाड़ी पे हूं। पिछले 4.5 साल से 9 नवंबर को कंपनी शुरुआत की, 31 दिसंबर को ये कुलदीप जिसने बाइक से शुरुआत की थी वो गाड़ी में था, और 4.5 साल हो गए दोस्त बाइक पे बैठ के नहीं देखा आज तक इस कुलदीप ने। 7 लाख की गाड़ी से शुरुआत की थी, मात्र 2 साल में 15 लाख की गाड़ी पे आया, और दोस्त गुरुजियों के आशीर्वाद से ठीक 1 महीना पहले BMW 5 सीरीज 520D 70 लाख की गाड़ी लिए दोस्त। ये सब गुरुजियों का पर मजा जब आएगा जब 9 नवंबर का दिन आएगा और हमारी टीम में गरीब गरीब बच्चे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं 59 गाड़ियां आएंगी सर, अभी 9 हुई है 50 ओवर। और मैं रियलिटी बताता हूं दोस्त, मेरे सारे अप्लाइनों ने बहुत साथ दिया है, सभी अप्लाइनों ने, कंपनी एमडी मिस्टर मामचंद सर ने तो मैं टोपाज था तो मैं बहुत मतलब पैसा ज्यादा आ रहा था, पैसा जल्दी गाड़ी आ गई थी, कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मैं बड़ा ऐसे डांस वांस करता था, बड़ा मस्ती में रहता था, तो टीम के लोगों को लगता था कि ये बगैर काम करे पैसा कमा रहा है क्या, तो मेरी टीम में कुछ लोग छोड़ के चले गए। मैं मामचंद सर के पास उस दिन बैठा था दोस्त, और मामचंद सर ने वो गुरु ज्ञान दिया था, एक दिन बोला था बेटा जिंदगी में कभी लीडर मत बनना, क्या मत बनना, लीडर मत बनना, फ्रेशर बन के काम करना, क्या बन के, कभी प्लान दिखाना मत छोड़ना, कभी फॉलो अप करना मत छोड़ना, कभी अपने दम पे जो काम करता है ना अपने दम पे करते रहना, कभी लीडर मत बनना, फ्रेशर बन के काम करता रहेगा, क्योंकि ये रेत का महल है, ताश के पत्तों का महल है, कब बिखर जाएगा पता नहीं है, अगर बनाना तेरे को आता है तो 100 बार बिखर जाए तो 101 बार भी बना सकता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त सर की वो बात समझ में आई थी उस दिन के बाद, अंदर से डर निकल गया, क्या निकल गया सर, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बस खुद को करते रहना है, किसको करते रहना है, किसको करते रहना है दोस्त, खुद को, और मेहनत करने में दोस्त मजा आता है। मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरे को 2 दिन घर पे छोड़ दो, कहते हैं ना सर लग्जरी लाइफ, बढ़िया होटल हो, बढ़िया सब कुछ हो, 2 दिन अगर मैं घर पे भी रह जाऊँ ना दोस्त बुखार हो जाता, मैं मेरी रियलिटी बता दूँ, आदत बन गई है, क्या बन गई है, जब 10-20 लोगों से बातचीत ना हो जाए ना दोस्त इतनी नींद ही नहीं आती दोस्त, लगता ही नहीं भूख भी लगी है मेरे को। मैं लास्ट एक ही बात कहूंगा दोस्त, लास्ट बात है मेरी जो मेरे अपलाइनों की सिखलाई है दोस्त, इस होल से निकलने से पहले आप अपना करियर डिसाइड कर लेना, क्या डिसाइड कर लेना, करियर माना कैसे जाता है, करियर दोस्त अगर मेरे को मानना है फौज में मेरे को करियर है तो महिपाल सर के साथ मैं 10 मिनट बैठ लू 20 मिनट बैठ लू तो फौज का करियर समझ में, अगर मेरे को टीचर बनना है तो टीचर जो 40 साल जॉब कर चुका उसके साथ बैठ लूं तो टीचर का करियर समझ में आ जाएगा। अरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एसलीपीएस को मैंने करियर क्यों माना था, क्योंकि मैंने मेरे जैसे लोगों को कामयाब होते देखा था, अनिल सर में मैं खुद को देखता था, +2 पास अनिल सर, +2 पास में हरियाणवी ये बोलते हरियाणवी मैं बोलता हूं, समझ रहे हो सर, जब ये इंसान यहां पहुंच सकता तो मैं भी। दोस्त मैंने करियर एक ही बात मानी थी, और मैं आपसे रियलिटी बात करता हूं, सब मिडिल क्लास फैमिली से, कोई 100-200 करोड़ का बंदा नहीं बैठता यहां, यस और नो, यस और नो, दोस्त मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे जैसे इंसान के पास इस बिजनेस के सिवाय कोई रास्ता नहीं, अगर वो तो इस होल से निकल के मेरे को बता देना। अब दोस्त अगर हमारे में दिमाग है बूंदी है तो एक बात सोचो, जब रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है तो दोस्त सब किस बात का, जैसे सफल लोगों ने जैसे काम किया है, सफल लोगों के पैर पकड़ता गया दोस्त, आशीर्वाद लेता गया जैसा उन्होंने बोला वैसा करता गया दोस्त, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइन का, कंपनी एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर का, मामचंद सर का, अमित पुरी सर का, और कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर का, और मेरे सारे सीनियर अपलाइनों का दोस्त, और मेरी प्यारी सी टीम, मैं कहता हूं दोस्त बड़ी प्यारी टीम है मेरे पास, जान दे सकती है दोस्त 100-200 करोड़ के लिए, टूट नहीं सकती ऐसी टीम है। एक कुछ गंदे लोग वो निकल गए पहले, जो अपने जैसे नीचे वो चले गए, आज जो टीम है ना दोस्त कोई 100 करोड़ का लालच दे, कोई 200 करोड़ का लालच दे, टूटने वाली टीम है नहीं है दोस्त, मैं ही ना टूटा, मेरे जैसे लोग आज अपने साथ हैं, क्योंकि कोयले की खान में हीरे कम ही मिलते हैं दोस्त। तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्त लास्ट में भी, अगर जिंदगी में करियर मान के अगर करना है तो अपलाइन को गुरु मान लेना, और अपलाइन को गुरु अगर मान के काम करोगे दोस्त तो मेरी एक ही बात है, मिडिल क्लास फैमिली अगर सफल होना चाहती है दोस्त इस होल से निकल के अगर अंदर खून
खून की जगह खून है, पानी नहीं है। तो एक बात सोच लेना, अगर माँ बाप के लिए भी बच्चों के लिए अगर कुछ करना है ना, तो AWPL के बगैर कुछ नहीं है दोस्त। ये बात जाके मार्केट में बेच, और अपने लालच में काम मत करना। जिसके लालच में दोस्त, मेरे को ज्वाइनिंग करवाया ना, 14,000 रुपए लिए थे, 14,000 रुपए ली, गले में सांप डाल लिया था मेरे जैसे, जिसको ना कपड़े पहनने आते, ना बातें करनी आती, ना बोलना आता, ना समझाना आता, कुछ नहीं आता। तो दोस्त, उस इंसान को 14,000 रुपए लेके ये नहीं एक पैसा कमा लिया, उस इंसान को काम सिखाना, उसको कामयाब करना। आप एक बात मान लो, या तो किसी को जोड़ो मत, अगर जोड़ दिया ना दोस्त, करोड़पति बना के छोड़ो, ये टारगेट आप लोगों का होना चाहिए, उसके बाद सारे काम होंगे। बाकी ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा गुरु जी। थैंक यू दोस्तों, बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा, पर मैं मेरी लाइफ में ऐसे ही जीता हूँ। और रियलिटी है, मेहनत बहुत करता हूँ, और मेहनत करने से कभी, वो कहते हैं ना लास्ट एक डायलॉग संजीव सर का, फिर याद आ जाता है, इस जिंदगी में दो सुख और दो दुख है, एक शारीरिक दुख और एक शारीरिक सुख, और एक मानसिक सुख और एक मानसिक दुख। जो लोग इस शरीर से दुखी हैं वो मानसिक सुखी हैं, और जो लोग इस शरीर से सुखी हैं वो मानसिक। जो गांव में ताश खेलते, जैसे मैं खेलता था 4.5 साल पहले, जैसे गांव में कुका पीते रहते, ताश खेलते रहते, शरीर से बिल्कुल सुखी हैं, कोई काम नहीं करना, लेकिन उनके घर में कभी ऐसी नहीं होता, उनके घर में कभी BMW नहीं आती दोस्त। जो लोग इस शरीर से दुखी है, दिन रात काम करते हैं, वो दोस्त इस माइंड से सुखी हैं, वो ना कभी बीमार होते, ना उनके घर में कभी दिक्कतें आती। और दोस्त एक बात और लास्ट कह देता हूँ, शरीर का दुखी आदमी 6 दिन आप मेहनत करो, 7 दिन मेहनत करो, 1 दिन सो लेना, सारी मेहनत दूर हो जाएगी। यस और नो? आज तक आपने सुना कोई मेहनत करके मर गया? हाँ सर, लेकिन चिंता से मरते हुए बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, सही है या गलत है? तो दोस्त आज से सोच लेना, शरीर अगर सुखी है तो मानसिक दुखी हो, अगर शरीर सुखी है तो दोस्त मानसिक दुख है। बस एक ही मैसेज है, उस दिन ये बात समझ में आ गई थी दोस्त, तो उस दिन से इस शरीर को तपाते जा रहे हैं, बड़ा मजा आता दोस्त मेहनत करने में। बाकी थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने जो इतनी देर तक सुना, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।